स्वागत है आपका। आप देख रहे मुद्दा, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। विदेश मंत्री एस जयशंकर इस समय रूस के 5 दिनों की यात्रा पर हैं। इस दौरान उन्होंने बुधवार को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। पुतिन ने बड़ी गर्मजोशी के साथ जयशंकर से मुलाकात की और प्रधानमंत्री मोदी को अगले साल रूस आने का न्योता दे दिया। इस मुलाकात के दौरान पुतिन ने जयशंकर से कहा कि हम हमारे अजीज दोस्त प्रधानमंत्री मोदी से मिलना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि वो जल्दी ही रूस आए। और इस दौरान पुतिन ने कहा कि मैं जानता हूं कि अगला साल जो चुनावों के लिहाज से भारत के लिए बहुत व्यस्त रहने वाला है, अगले साल भारत में आम चुनाव है, हम चाहते हैं कि चुनाव में हमारे दोस्त की जीत हो। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस दौरान रूसी राष्ट्रपति पुतिन को प्रधानमंत्री मोदी का खत भी सौंपा। इस खत में पीएम मोदी ने हाल के सालों में दोनों देशों के बीच बड़े सहयोग और प्रगति को लेकर खुशी जाहिर की है। अब भारत रूस की करीबी से चीन परेशान है, तो उधर अमेरिका के कान खड़े हो गए हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगले साल रूस की यात्रा के लिए आमंत्रित किया है। रूस की 5 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर मॉस्को पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस के राष्ट्रपति भवन क्रेमलिन में पुतिन से मुलाकात की। पुतिन ने जयशंकर से कहा कि हमें अपने मित्र प्रधानमंत्री मोदी को रूस में देखकर खुशी होगी। यही नहीं, पुतिन ने प्रोटोकॉल तोड़ते हुए भारतीय विदेश मंत्री के साथ आमने सामने बेहद करीब बैठकर बातचीत की। इससे पहले राष्ट्रपति पुतिन ने फरवरी में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल के साथ भी मुलाकात की थी। पुतिन के इस कदम को बहुत दुर्लभ माना जा रहा है। इससे पहले पुतिन कड़ा संदेश देने के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति समेत दुनिया के कई राष्ट्र अध्यक्षों से बहुत दूर बैठकर बातचीत कर चुके हैं, जिसकी विश्व भर में काफी आलोचना भी हुई थी। इसी वजह से पुतिन के जयशंकर के साथ मुलाकात को भारत और रूस के बीच करीबी दोस्ती के रूप में देखा जा रहा है। जयशंकर ने पुतिन के साथ मुलाकात के दौरान उन्हें पीएम मोदी का निजी संदेश भी दिया। रूसी राष्ट्रपति ने कहा, हमारे पास वर्तमान मुद्दों पर बातचीत करने का अवसर होगा, साथ ही दोनों रिश्तों के बीच संतोष को आगे बढ़ाने पर बातचीत होगी, हमें कई विषयों पर बात करना होगा। पुतिन ने कहा कि उन्होंने यूक्रेन जंग की स्थिति को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कई बार जानकारी दी है। उन्होंने कहा है, मैं जानता हूं कि मोदी इस संकट का शांतिपूर्ण समाधान चाहती हैं। मैं उनके साथ मिलकर इस मुद्दे पर चर्चा करना चाहता हूं। भारत और रूस के बीच बढ़ते व्यापार पर पुतिन ने कहा कि हमारा व्यापार लगातार दूसरे साल बढ़ रहा है। इस साल तो ये व्यापार की गति और भी ज्यादा तेज है। हर कोई इसे जानता है कि ये ऊर्जा संसाधन, तेल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के हैं। दोनों देशों के बीच व्यापार $50 अरब का पार करने जा रहा है। पुतिन के निमंत्रण पर विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि पीएम मोदी भी रूस आने को लेकर आश्वस्त हैं। जयशंकर ने इससे पहले कहा था कि भारत और रूस के बीच रिश्ते बहुत मजबूत और सतत बने हुए हैं। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने भारत के G20 आयोजन में बढ़ती गई निष्पक्षता की जमकर तारीफ की। इस दौरान लावरोव ने संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में भारत की परमानेंट सीट होने का समर्थन किया। अब पुतिन के मोदी को न्योता से अमेरिका के कान खड़े हो गए हैं। दरअसल अमेरिका नहीं चाहता कि भारत और रूस की करीबी बढ़े। अमेरिका शुरू से ही भारत रूस संबंधों को लेकर जलन रखता है। जब फरवरी 2022 में रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया था, तब भी अमेरिका ने भारत के ऊपर पुतिन के खिलाफ बयान देने के लिए भारी दबाव डाला। अमेरिका ने अपने पिछलग्गू देशों से भी भारत पर दबाव डलवाए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की विदेश नीति पर विदेशी दबाव को हावी नहीं होने दिया। उन्होंने पुतिन से मुलाकात के दौरान और बाकी कई मौकों पर यूक्रेन युद्ध को बंद करने की अपील जरूर की, लेकिन रूस की आलोचना से दूरी बनाए रखी। दरअसल अमेरिका कभी भी रूस की तरह भारत का भरोसेमंद मित्र साबित नहीं हो सका। आजादी के बाद से ही रूस ने भारत के हर संकट में मदद की। जिस दौर में अमेरिका भारत के विरोध में पाकिस्तान का समर्थन कर रहा था, उस वक्त भी रूस मजबूती से अपने दोस्त भारत के साथ खड़ा रहा। भले ही दुनिया की बदली परिस्थिति की वजह से भारत और अमेरिका करीब साझेदार हैं, भारत और अमेरिका के बीच कई आर्थिक और सामरिक समझौते हो रहे हैं, लेकिन अमेरिका के साथ तमाम समझौतों के बावजूद भारत रूस को अपना सच्चा दोस्त मानता है।
तो वही जिस तरह से चीन पाकिस्तान और रूस के बीच करीबी बढ़ रही है, वैसे में भारत के लिए जरूरी है कि वो रूस के साथ अपने पुराने संबंधों को फिर से मजबूती दे। वही दुनिया में भारत की मजबूती हो रही स्थिति में रूस के लिए भी जरूरी है कि वो भारत के साथ दोस्ती को फिर से गर्माहट दे। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। तो भारत और रूस की ये दोस्ती जो आगे बढ़ रही है वो क्या संदेश दे रही है, इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ मंजू सेठ जी हैं, पूर्व राजनयिक हैं। मैम बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ जितेंद्र कुमार ओझा जी हैं, जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट है। जितेंद्र जी आपका भी बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत जितेंद्र जी आपके साथ करते हैं। जिस तरह से पुतिन और एस जयशंकर की मुलाकात हुई और उसके बाद प्रधानमंत्री को न्योता दिया गया, ये क्या संदेश देने की कोशिश है विश्व को? देखिए नेहा जी, जियोपॉलिटिक्स में हमेशा आपके पास आइडियल चॉइसेस नहीं होते हैं। जो आपके पास चॉइस है उसी चॉइस को आपको अच्छे से करना है। जहां तक रूस का सवाल है, मैं इसमें दो बातें कहूंगा। देखिए, रूस और चीन की जो मित्रता है, मैं कौटिल्य की थ्योरी से भी देखूं कि दो बड़े देश कभी एक दूसरे के अगर साथ में पड़ोसी है तो कभी मित्र परमानेंट हो ही नहीं सकते। आज नहीं तो कल चीन और रूस में संघर्ष होना ही होना है, और चीन भी हमारा परमानेंट मित्र हो ही नहीं सकता है। जो हमारे और चीन के बीच में बफर स्टेट थे छोटे छोटे, चीन उसको भी ट्रांसग्रेस करके हमारी तरफ देखने की हिमाकत किए जा रहा है। मालदीव हो, श्रीलंका हो, नेपाल हो, पाकिस्तान को तो उसने अपना पिट्ठू बना ही लिया है। जहां तक पश्चिम की बात है, आपने इतिहास की बात की, ये सही है कि पश्चिम में पिछली शताब्दी में अमेरिका का और पूरे पश्चिम के देशों की दो पॉलिसी थी कि भारत को किसी भी तरीके से क्रिपल किया जाए, कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी होने के बावजूद उनका इंटरेस्ट हमसे मिलता नहीं था तो हमें क्रिपल करने की कोशिश करते थे। लेकिन आज की तारीख में हालात बदले हुए हैं। ऐसी बात नहीं है कि हम ऐसे कमजोर देश है कि हमें अमेरिका और रूस में से चॉइस करना है। हम खुद एक मजबूत देश है और हमारे सोचने का तरीका बदलना चाहिए नेहा जी। हमारे इंटरेस्ट में है कि अमेरिका और रूस दोनों की मित्रता हो। अमेरिका ने जो कुछ भी संघर्ष किया रूस में, जो कुछ भी तनातनी की, जिस तरीके से नेटो ने अपने फ्रंटियर्स बढ़ाने की कोशिश की, वो आइडियल नहीं है। उस वजह से हमें कुछ न कुछ इनडायरेक्टली करना चाहिए। साथ में रूस की स्टेबिलिटी, रूस की सिक्योरिटी बहुत जरूरी है, और रूस की स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी के लिए ये बात डिप्लोमेसी तो नहीं कह सकती है, लेकिन जियोपॉलिटिक्स कहती है कि एक इफेक्टिव एफिशिएंट वर्किंग डेमोक्रेटिक मॉडल की तरफ रूस का ट्रांजिशन होना चाहिए, और उससे बहुत हद तक जिम्मेदारी मेरे पास आती है। मैं डिप्लोमेसी और जियोपॉलिटिक्स से अलग हटके नेशनल सिक्योरिटी, लॉन्ग टर्म नेशनल सिक्योरिटी और ग्रैंड स्ट्रेटजी की भी बात करता हूँ, तो वो एक जिम्मेदारी है, वो हमारा लॉन्ग टर्म में होना चाहिए। लेकिन अमेरिका को भी बिल्कुल साफ पता चलना चाहिए कि भारत और रूस के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट बिल्कुल एक दूसरे के मिलते हैं। हमारे और अमेरिका के इंटरेस्ट में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। आज की तारीख में चाइना और इस्लामिक रेडिकलिज्म, ये दुनिया के दो सबसे खतरनाक चीजें हैं, जिससे भारत को भी खतरा है, अमेरिका को भी खतरा है। तो भारत को मौका मिलना चाहिए कि किस तरीके से अमेरिका और रूस में वर्किंग अंडरस्टैंडिंग करा सके, ताकि वो यूक्रेन का युद्ध भी खत्म हो और हम एक शांति की तरफ जाएं, और साथ में ऐसे चाइना को कंटेन किया जाए और इस्लामिक रेडिकलिज्म को कंटेन किया जाए। इन दो मुद्दों पर अमेरिका के लोग अपने इंटरेस्ट में लॉन्ग टर्म ये हिसाब से सोचते हैं, तो मुझे लगता है कि उनको भारत की बात अच्छे से समझ में आएगी। जी मंजू जी, इसको किस तरह से लिया जाए? अगर भारत और रूस की नजदीकियां बढ़ रही है, जिस तरह से रूस और यूक्रेन युद्ध चला या अभी भी चल रहा है, उसके हिसाब से अगर हम देखें तो बहुत न्यूट्रल स्टैंड भारत का रहा था, लेकिन उसके बाद कुछ दूरियां आई थी, आपको ऐसा लगता है? और अब एक बार फिर से अगर नजदीकियां बढ़ रही है तो किस तरह का प्रभाव चीन पर और पाकिस्तान पर पड़ेगा? जो हमारे रूस और भारत के बीच में जो रिश्ते हैं, ये बहुत ही स्ट्रांग रहे हैं इतने 70-75 सालों में, बिल्कुल कांस्टेंट रहे हैं। एक ये कांस्टेंट रिलेशनशिप रहा है हमारा, और ये मेरा मानना है कि बीच में ऐसे हमें लगा था लेकिन कि कुछ दूरियां हैं, लेकिन मेरा मानना है कि वो ऊपर नीचे हर रिलेशनशिप में होता रहता है थोड़ा बहुत किसी किसी वजह से, लेकिन ऑन द होल एक ये बहुत ही स्टेबल रिलेशनशिप है रूस और इंडिया का। और मैं मानती हूँ कि ये काफी चीजें होती रहती हैं थोड़ा बहुत, लेकिन इसमें कोई बदलाव ऐसा नहीं आया है। और अभी हमारे जो मंत्री जी गए हैं वहां पे, विदेश मंत्री जी, इसको रीअफर्म करने के लिए, रीअश्योर करने के लिए कि ये रिलेशनशिप स्ट्रांग है और ये बिल्कुल लॉन्ग टर्म के लिए है और हमेशा रहेगा, क्योंकि हमारे हित में इसी में है और हम को बैलेंस हम कर रहे हैं यूएस और
रूस के बीच में, और हमें ये हमारे बिल्कुल हित में है कि हम दोनों के साथ अच्छे रिलेशनशिप रखें। और जहां तक यूक्रेन की वॉर है, हम तो चाचू से कह रहे हैं कि इसमें रुकावट आनी चाहिए, पीस आना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, और अगर आगे चल के आपस में ये बात करते हैं दोनों साइड, और अगर इंडिया का कोई रोल अगर हो सकता है, और इंडिया इसमें जाएगा नहीं जब तक दोनों तरफ सहमति ना हो बात करने के लिए, अगर वो दोनों सहमत होते हैं तभी हमारे प्रधानमंत्री, हमारे कोई भी जो उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं इसमें बातचीत कर सकते हैं, लेकिन वो तो आगे की बात है। और जब तक दोनों साइड बोलेंगे नहीं और मानेंगे नहीं कि इंडिया बीच में मतलब कुछ कर सकता है, मुझे लगता नहीं कुछ भी हो पाएगा। और आगे अगर आप और आगे हम थोड़ा देखें फ्यूचर में, इंडिया और रशिया ये जो टाइज हैं ये और मजबूत ही रहेंगे, और चाहे चीन है चाहे पाकिस्तान है उनके साथ जो रिलेशनशिप है रशिया का भी, अगर क्योंकि उनको लगता है कि एक उनके हित में और उनसे अच्छे रिलेशनशिप रखने के लिए, तो हम उनके उनको नहीं क्वेश्चन कर सकते। लेकिन इसमें हमें ये देखना है कि हमारे और रूस के रिलेशनशिप खटास में नहीं आने चाहिए, दूरी में नहीं आने चाहिए, कोई भी दूरी नहीं आनी चाहिए। और हमारे अमेरिका के साथ जो रिलेशनशिप है वो ऑन इट्स ओन है, और जो रूस के साथ है वो ऑन इट्स ओन है। ये दोनों अच्छे रिलेशनशिप हैं और हमें बिल्कुल रखना ही है, क्योंकि चीन का हमें पता है रवैया कैसा है, पाकिस्तान का भी रवैया कैसा है, और हमें बिल्कुल हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए दोनों। चौकन्ना ठीक है मैम, रहना चाहिए, लेकिन हमारे हित क्या है इसमें, हमें कैसे फायदा मिलेगा? सॉरी, फिर से बोलिए। हमारा हित क्या है? अगर हमारे रूस के साथ अच्छे रिलेशन है और हम आगे भी डेवलप करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि आगे भी अच्छे रिलेशन रहे, तो फाइनेंशियली तौर पर अगर हम देखें तो किस तरह से हमें प्रॉफिट मिल सकता है? क्योंकि अभी भी हमारे डिफेंस जो टाइज हैं अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग हैं इनके साथ, और थोड़ा सा हम जो ऑयल हमें मिल रहा है, क्रूड ऑयल मिल रहा है, वो एक अच्छे टर्म से मिल रहा है, इसलिए हम उनको लेंगे। लेकिन ट्रेड के मामले में हमें थोड़ा सा अपनी अपने यहाँ हमें उसको मोर कमर्शियली वायबल करना पड़ेगा हमारे प्रोडक्ट्स को, क्योंकि इस वक्त वो चीन से ज्यादा ले रहे हैं, क्योंकि चीन चीन उनको प्रोवाइड कर सकता है वही चीजें गुड जो है एट वेरी यू नो चीप रेट, और हमें वो मैच करना पड़ेगा तभी हमारा ट्रेड और बढ़ेगा उनसे। लेकिन रूस एक इम्पोर्टेंट कंट्री है, हम उनको इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है सर, इससे पहले जितेंद्र जी जिस तरह से अजीत डोभाल से मुलाकात की थी पुतिन ने, और फिर उसके बाद एस जय शंकर से मुलाकात की, तमाम प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए ये मुलाकातें की गई है, ये जाहिर तौर पे विश्व में एक संकेत है, एक संदेश है कि देखिए भारत के साथ अब रूस भी रिश्तों को डेवलप करने के लिए कितना आगे आ रहा है कि तमाम प्रोटोकॉल्स को तोड़ते हुए मुलाकातें हो रही है। दूसरी बात ये कि अब क्या अपना बेनिफिट रूस देख रहा है भारत के साथ व्यापारिक तौर पर? देखिए मैं बातों को बहुत गहराई से कहने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं कितना आपको समझा पा रहा हूँ। जहां तक बात है कि मैं नहीं मानता कि सिर्फ रूस एक इम्पोर्टेंट कंट्री जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, थोड़ा सा मंजू जी से मैं डिफर करूंगा, रूस की सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी हमारे लिए बहुत क्रिटिकल है, इग्नोर की बात नहीं है, वो एक नॉट वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंट्री। अमेरिका से हम संबंध खराब बिल्कुल नहीं कर सकते, अमेरिका से हमारी चीजें कन्वर्ज कर रही है। मैं कहता हूं कि आज की जियोपॉलिटिकल चेस में हम एक पैसिव प्लेयर नहीं है, हम एक एक्टिव प्लेयर है, दुनिया की सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी में हमारा एक रोल है। आज जो है देखा जाए, मैं तो नेशनल सिक्योरिटी के हर पहलू को देखने की पढ़ने की कोशिश करता हूं, जिसमें डिप्लोमेसी और जियोपॉलिटिक्स एक है। आज की तारीख में सारी इंबैलेंसेस वजह से हुई है कि भारत जो है एक ओपन और ट्रांसपेरेंट सिस्टम होने के बावजूद इकोनॉमिकली हम चीन से पिछड़ रहे हैं। अगर हम चीन से पिछड़ नहीं रहे होते तो रूस कभी भी चीन के पास जाता ही नहीं। एक समय था नेहा जी कि डेमेंस्की आइलैंड पे जब एकदम हाइट पे थी रशिया और चाइना की फ्रेंडशिप, तो उनके दोनों की सेनाओं के बीच में संघर्ष हुआ, जो न्यूक्लियर प्लान चल रहा था रशिया का उसमें 10,000 इंजीनियर्स को रशिया ने रातों रात ये कर लिया। तो जो मैं बात कह रहा हूँ कि दो बड़े देश जो दो बड़े नेबर हैं, आज न कल उनमें कॉन्फ्लिक्ट आना है, तो बहुत सारी बात जो है, रशिया बहुत जियोपॉलिटिकली स्मार्ट कंट्री है, छोटी सी पॉपुलेशन है, लेकिन कभी किसी ने उसे गुलाम नहीं बनाया। हालांकि अगर देखा जाए इतिहास के लिहाज से, तो इतिहास के लिहाज से पश्चिम यूरोप का इतिहास बहुत पुराना है। मैं तो स्ट्रेटेजिक साइकी की बात करता हूं नेहा जी, स्ट्रेटेजिक साइकी अमेरिका की क्या है? जीरो सम गेम। वो कभी नहीं चाहेंगे कि दुनिया में कोई भी ताकत आए और उनको जो है वो चैलेंज कर सके। रशिया की क्या है अगर साइकी?
उन्होंने ईस्टर्न रोमन एम्पायर को ध्वस्त कर दिया। बहुत बहादुर लोग हैं लेकिन इनइक्वालिटी है, फोर्स है, बहुत सारी उसकी अंदरूनी समस्याएं हैं। वो यूरोप की तरह इलेक्शन नहीं सस्टेन कर पा रहे हैं। बिल्कुल रशिया की सिक्योरिटी स्टेबिलिटी प्यूतिन साहब पे डिपेंड नहीं करनी चाहिए और उनका जो तरीका है शायद यूक्रेन में वो उचित नहीं है, लेकिन जियोपॉलिटिक्स में जैसे मैंने कहा हमारे पास परफेक्ट चॉइसेस नहीं है। तो प्रॉफिट की बात नहीं है, प्रॉफिट तो सेकेंडरी इशू है। मैं कहता हूं वेरी सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी, अगर आपकी सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी है आप प्रॉफिट कमा लेंगे, लेकिन प्रॉफिट कितने भी कमाएं आप अपनी सिक्योरिटी स्टेबिलिटी को कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो आपकी बहुत बेमौत मारे जाएंगे एक सभ्यता के रूप में, एक देश के रूप में। तो रूस की मित्रता, रूस का गुडविल हमारे लिए बहुत क्रिटिकल है। हमें अमेरिका से नहीं बैलेंस करना है, हमें चाइना से बैलेंस करना है कि रूस की डिपेंडेंस पूरी तरीके से चाइना पे नहीं आए। अमेरिका का जो कुछ भी निर्णय है, अमेरिका की जो कुछ भी स्ट्रेटेजिक पॉलिसी है वो हमारी तरह नहीं देख पा रहे हैं। हम कैसे देखते हैं दिल्ली में बैठ के, हमें लगता है कि अमेरिका जितना अधिक उतना ही चाइना के खेमे में जाएगा। तो हमें जो है पैसिव होके प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं करना है कि इनके उनके बीच में, हमें अमेरिका को प्रभावित करना है, प्रिवेल करना है अमेरिका पे कि आप युद्ध बंद कीजिए, हम कोई रास्ता निकालते हैं और जो भारत जाए गए जी कि हम अमेरिका पे दबाव बनाए साइकोलॉजिकल मॉरल कि देखिए ये संघर्ष इसका कोई मायने नहीं है, इस संघर्ष का आपने नतीजा देखा कि इसराइल को भले ही अटैक किया हमास ने, ये थप्पड़ आपके ऊपर है, जरा दूर की सोचिए, अपने देश की सोचिए और हम आपके जेन्युइन वेलविशर हैं। तो मैं समझता हूं कि हमें और प्रोएक्टिव होने की जरूरत है। रूस की तरफ से संदेश काफी मजबूत है और ये छोटे मोटे कैलकुलेशन की बात, इतने चार आने प्रॉफिट की छह आने प्रॉफिट उसकी बात नहीं है, वो सेकेंडरी है। हम कल बहुत बड़ी प्रॉफिट बना लेंगे, दुनिया से बना लेंगे प्रॉफिट, लेकिन आज की तारीख में रूस यही संदेश देना चाहता है कि भारत उसके लिए इंपॉर्टेंट है, भारत एक वॉइस ऑफ सैनिटी है। नरेंद्र मोदी जी आज की तारीख में ग्लोबली एक्सेप्टेड एक स्टेट्समैन है जिनको दुनिया रिकग्नाइज करती है। वो सबसे इंटेलिजेंट हो सकता है नहीं हो, बहुत सारे स्किल्स में उनकी कमी हो, लेकिन उनकी इंटेग्रिटी में, उनकी मंशा में, उनकी नियत में और उनकी स्टेबिलिटी में या क्रेडिबिलिटी में कोई कमी नहीं है। तो ये चीजें बिल्कुल साफ साफ है नया जी, हम लोगों को सोचने की जरूरत है कि हमें क्या करना है और हमारा इंटरेस्ट कहाँ है और किसी को कोई भारत में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। लेकिन सर इससे पहले अगर हम देखें तो अमेरिका शुरू से ही भारत और रूस संबंधों को लेकर जलन रखता है और जब फरवरी 2022 में रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया तब भी अमेरिका ने भारत के ऊपर पुतिन के खिलाफ बयान देने के लिए भारी दबाव डाला था, वो बात याद होगी सर आपको जिस तरह से ये चीजें कही गई थी। लेकिन अब ऐसे में सवाल इस बात को लेकर है कि ये विश्वास और ये मित्रता कभी अमेरिका के साथ भारत की रही है क्या, या इतना विश्वास कभी रहा है कि एक दूसरे पर इतना विश्वास किया जाए जितना रूस के साथ हमने देखा कि जब भी कभी दिक्कत हुई, समस्या हुई, परेशानी हुई तो रूस एक ऐसा देश रहा जो हमेशा भारत के साथ खड़ा रहा, लेकिन अमेरिका के केस में ऐसा दिखता है क्या? मैं तीन बातें कहना चाहूंगा। देखिए अमेरिका मित्रता जियोपॉलिटिक्स मैंने कहा कुछ नहीं मिलती है। आपने एंटोनियो और क्लियोपेट्रा की कहानी सुनी होगी जो दूसरे से जितना मोहब्बत करते थे लेकिन मोहब्बत करने के बावजूद दोनों में एकदम रियल पॉलिटिक्स थी जो अपने जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट को करते हैं। देखिए हम किसी से कितने भी गले मिले, कितनी भी मोहब्बत की बातें करें, कोई मोहब्बत नहीं होती है, ये एकदम बहुत ही हार्ड कोर इंटरेस्ट की बात है। जहां तक दूसरी बात मैं कहता हूँ, साइकी की बात कहता हूँ, अमेरिका की साइकी में नहीं है कि वो किसी मित्र के साथ वो खड़ा रहे, हालांकि बहुत हद तक खड़े रहे हैं। पिछले शताब्दी में मैंने कहा कि अमेरिका ने सोचा कि उनका इंटरेस्ट हमारे इंटरेस्ट से कॉन्फ्लिक्ट में आ रहा है। एंग्लो रशियन राइवलरी की हम लोग बात करते हैं, एंग्लो रशियन राइवलरी को अमेरिका ने इनहेरिट किया जिसके कई शताब्दियों से है, एक सिविलाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट है ईस्टर्न यूरोप और वेस्टर्न यूरोप में। तो उस तमाम चीजों से अमेरिका उस प्रिज्म से देखता रहा और अमेरिका ने क्या काम किया कि हमेशा हमें स्कटल करने की कोशिश की, हमेशा उनके डीप स्टेट ने हमें क्रिपल करने की कोशिश की, हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशन को बढ़ने नहीं दिया, इनडायरेक्टली हमारे साइंटिस्ट की हत्याएं करवाई, हमारे इंटेलिजेंस और नेशनल सिक्योरिटी के लोगों को भी बहुत अजीब तरीके से टारगेट किया। तो अमेरिका जो है छद्म रूप से भारत को स्कटल करने की पूरी कोशिश करता रहा। मैं कहता हूं अमेरिका की गलती है नहीं, उनकी साइकी ही यही है। तो उनके साइकी में कहीं कोई परमानेंट मित्रता हो ही नहीं सकता है। उनके साइकी में मित्रता का मतलब है कि आप मेरे बहुत अच्छे लॉयल गुलाम बनिए, अगर जब मैं आपको कहूं उठ जाओ तो उठ जाइए, जब मैं आपको कहूं बैठ जाओ तो बैठ जाइए। भारत ने उस वक्त भी कहा कि देखिए हम तो अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, हमारे भरोसे की हत्या करके आपने जरूर हम पे राज कर लिया, हम आपके रिमोट कंट्रोल से नहीं चलने वाले हैं।
जहां तक रशिया का सवाल है, देखिए थोड़ी सी उनके मुकाबले रफ हार्डी और ये सिविलाइजेशन है, इसमें लॉयल्टी मैटर करती है। तो मैं कहता हूं कि कौन क्या कहता है उससे भी ज्यादा मैं उसके दिमाग में जाने की कोशिश करता हूं, क्यों कहता है, इसकी फितरत क्या है, इसकी साइकी क्या है, इसके ब्रेन की एनाटॉमी क्या हो सकती है और इसके हालात क्या हो सकते हैं। तो इन तमाम चीजों को देखने के बावजूद मैं कहता हूं कि रशिया परफेक्ट नहीं है, रशिया को ट्रांजिशन करने की जरूरत है, रशिया को पुतिन के बाद की भी ये देखने की जरूरत है, रशिया को हार्ड इंस्टीट्यूशन की देखने की भी जरूरत है, लेकिन फिर भी रशिया और भारत के संबंध सतह के नीचे हो सकता है, डिप्लोमेसी में कुछ लोग जो है उनको लगता हो कि खटास आ गई हो, लेकिन नहीं, उस सतह के नीचे सिक्योरिटी के मामले में, इसके मामले में भारत और रशिया के संबंध बहुत मजबूत हमेशा से रहे हैं, भारत इजराइल के संबंध बहुत मजबूत रहे हैं, अमेरिका से होने के बावजूद आप देख ही रही हैं कुछ कुछ इश्यूज पे कैसे दिक्कतें चल रही हैं। तो कोर इंटरेस्ट पे रशिया में क्लैरिटी है, हमें एक पैसिव प्लेयर होने के बजाय कि रशिया अमेरिका ये वो नहीं है, दुनिया जो है वो वैसे ही है, उसी दुनिया में, इसी को जियो पोलिटिकल चेस हम कहते हैं, उसी दुनिया में उसके हिसाब से हमें अपना गेम खेलना है और वो रिस्पॉन्स दे, उसके पहले हमारे प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी होनी चाहिए। मैं बार बार जब से मैं रिटायर हुआ हूँ मैं 2018 से कह रहा हूँ कि हमें अमेरिका को समझाने की जरूरत है कि देखो तुम्हारा झगड़ा रूस से नहीं है, भारत में भी इंस्टीट्यूशन मजबूत हो, हर इंस्टीट्यूशन मजबूत हो और रूस में भी इंस्टीट्यूशन मजबूत हो तो आपकी सिक्योरिटी अच्छी रहेगी, आप इस मुगालते से बाहर निकलिए कि आपकी सिक्योरिटी का तभी हो सकती है जब भारत कमजोर होगा या रूस कमजोर होगा। पूरा चाइना को बनाने वाला कौन है? अमेरिका की मायोपिया है, उनके लोगों की कैपिटलिस्ट ग्रीड है जिसने चाइना जैसे बदमाशों को पैदा कर दिया जो पूरे अफ्रीका को कॉलोनाइज कर चुका है, पूरी दुनिया को परेशानी कर रहा है, वही हम उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जी जी जी, चलिए चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए, और इसी के साथ मुद्दा में फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।